सो हे गाइस, वेलकम टू पेप टू, जहाँ पे मैं सोशल मीडिया एंड यूट्यूब से रिलेटेड न्यूज़ को कवर करता हूँ। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं बिग बॉस ओटीटी के बारे में। तो आज बिग बॉस में ये हुआ कि बिग बॉस के गार्डन एरिया को अभी एक पनिशमेंट एरिया बना दिया गया है, और क्योंकि फुकरा इंसान को मिला है टिकट टू फिनाले एंड वो पहले फाइनलिस्ट बन चुके हैं, तो उनके हाथों में एक स्पेशल पावर दिया है बिग बॉस ने, जिससे कि वो किसी को भी पनिश कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बिग बॉस फुकरा इंसान से कुछ सवाल करेंगे, उनके जवाब में वो उनको पनिशमेंट देंगे। तो सबसे पहले बिग बॉस ने पूछा कि वो कौन सा कंटेस्टेंट है जिसने बुरे से बुरे अंदाज में खेला है एंड उन्हें सफाई की जरूरत है। तो फुकरा इंसान ने नाम लिया बेबिका का, कि वो बहुत ही गंदे तरीके से खेलती है, बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है एंड इसीलिए उन्हें सफाई की जरूरत है। एंड बिग बॉस ने क्या कि उन्हें सबके क्लोथ्स दे दिए धोने के लिए, जितने लोग थे उन सबके क्लोथ्स को दे दिए धोने के लिए, बहुत सारे कपड़े थे जिन्हें उन्हें धोना पड़ा। एंड इसके बाद फुकरा इंसान को बिग बॉस ने पूछा कि वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने अपनी चमक खो दी है यहाँ पे आने के बाद। तो यहाँ पे फुकरा इंसान ने नाम लिया मनीषा का, कि मनीषा पहले जब आई थी तो वो एंटरटेनमेंट कर रही थी, लोगों को हंसा रही थी, लेकिन वो सिर्फ गेम और अभी ओपिनियन के मामले में ही अभी लगी रहती है, दिन भर अभी गेम 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 करती रहती है एंड उनका एंटरटेनमेंट वाला जो फैक्टर था वो चला जा चुका है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी मनीषा की चमक जा चुकी है एंड इसलिए बिग बॉस ने उन्हें पनिशमेंट दिया कि घर के जितने लोग हैं उन सबके शूज़ को उन्हें पॉलिश करना है, एंड उन्होंने पॉलिश भी किया सबके सबके शूज़ को। एंड इसी डिसीजन को लेकर एलविशा दो बहुत नाराज़ थे फुकरा इंसान से, एंड उन्होंने ये कहा कि तुमने ये गलत डिसीजन लिया, मनीषा का नाम तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। लेकिन फिर वो मनीषा के कहती है कि फुकरा इंसान ने सही डिसीजन लिया एंड इसलिए वो कुछ नहीं कहते उसके बाद। एंड इसी के बाद बिग बॉस ने फुकरा इंसान से तीसरा सवाल पूछा कि वो कौन लोग हैं जो पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, चुगलियाँ करते हैं। तो यहाँ पे फुकरा इंसान ने नाम लिया अविनाश एंड जिया का, कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा गॉसिप करते हैं, पीठ पीछे बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं एंड इसलिए बिग बॉस ने इन्हें पनिशमेंट दिया कि ये अभी घर के सारे कंटेस्टेंट्स को जोक सुनाएंगे एंड वो सुना भी रहे हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं एलबी यादव के फैंस के लिए गुड न्यूज़ के बारे में। तो अभी क्या हुआ कि बिग बॉस एक अनाउंस करता है, जहाँ पे आपको पता ही होगा बिग बॉस मीटर, जहाँ पे वो लोग कंडक्ट करते हैं दो लोगों के बीच में वोटिंग, जिससे वो बिग बॉस मीटर डिसाइड करते हैं कि इस वीक का बॉस कौन है। एंड इस बार फुकरा इंसान एंड एलबी यादव के बीच में ये वोटिंग रखी गई थी एंड दोनों के बीच में एलबी यादव जीत गए एंड वो बन चुके हैं बॉस ऑफ द वीक। तो यहाँ पे वो फुकरा इंसान को हरा के एलविश यादव जीत चुके हैं। एंड इसी से रिलेटेड टिकट इंसान को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है। तो बात यह है कि टिकट इंसान ने अपने ट्विटर स्पेसेस में बहुत लोगों के सामने ये कह दिया कि ये जो बॉस मीटर ये मैटर नहीं करता, ये उतनी ज़रूरत नहीं है, लोगों को इसमें वोट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे टिकट इंसान को, तो उन्होंने ही फुकरा इंसान के बारे में बहुत बार इसके लिए वोटिंग मांगी है एंड लेकिन वो अभी ये कह रहे हैं कि ये सब मैटर नहीं करता है, मैं इस सबको मानता भी नहीं हूँ, जो कि लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब तक फुकरा इंसान जीत रहे थे तब तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जैसे ही फुकरा इंसान हार गए तब इन्हें मिर्ची लगने लगी। तो इसलिए लोग इन्हें बहुत ज्यादा हेट कर रहे हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं उर्फी जावेद एंड करण कुंद्रा के बारे में। तो इन दोनों ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि इनके लिए टॉप थ्री विनर्स कौन है जो कि ये जीत सकते हैं इस शो को। आप इनके वीडियोस देख सकते हो। फर्स्ट टॉप थ्री में मैं जिसे देखती हूँ वो है हमारी बिहार की रानी मनीषा रानी। शी इज रियली बिंदास, जो बोलती है दिल से बोलती है, बहुत ही प्योर लगती है मुझे। एंड दूसरा ऑफकोर्स अपना फुकरा इंसान अभिषेक। उसने ना पूजा भट्ट जैसी एक्ट्रेस जो कि अपना करियर रीस्टार्ट करने आई है बिग बॉस से, उसको सुना दिया यार। मतलब अगर वो उसको सुना सकते हैं ना तो वो कुछ भी कर सकता है लड़का। एंड थर्ड आई पिक अ वेरी अनपॉपुलर चॉइस बेबिका। मतलब जितने फंकी कपड़े पहनती है ना वो उतना ही फंकी उसका एटीट्यूड है, और एक एक करके ना सारे गधों को सुनाया इसने। अकेली बंदी ने कोई भी मुद्दा वो अपना, मतलब बंदी ने पॉइंट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अब तक रखा है। मेरे हिसाब से एल्विश तो होगा ही, क्योंकि उस बंदे ने आके सिस्टम हिला दिया, डेफिनेटली हिला दिया। आई लव हिम एंड मुझे लगता है कि यू नो हिज सैसी वन लाइनर्स जो रिप्लाईज देता है उसका एक अलग फैन बेस बन चुका है। नंबर टू मेरे हिसाब से हैज टू बी फुकरा इंसान। यार जो मर्जी कह लो, बंदा दिल से खेला है, स्टार्टिंग से उसने एक स्ट्रैटेजी मेंटेन की है एंड इज प्लेइंग रियली वेल। नंबर थ्री वो जिया है, एंड आई एम श्योर आप लोग अग्री करोगे मेरे से कि कुछ ना कुछ वो करती रहती है। वो जो जज्बा होता है ना गेम खेलने का, शो जीतने का, वो मुझे जिया में देखता है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ड्रोन फूड डिलीवरी के बारे में। हाँ, आपने सुना ही होगा इसके बारे में, आपने बाहर देखा होगा कि ड्रोन से बहुत ज़्यादा मेडिकल इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन अभी इंडिया में भी ड्रोन से फूड डिलीवरी की जा रही है। एक बंदा है जिसने ये फूड डिलीवरी की है ड्रोन से एंड इसका उन्होंने एक वीडियो बना के पोस्ट भी किया, आप ये वीडियो देख सकते हो। Received an order from Pizza Hut and after collecting it I quickly reached to an open place where we loaded the pizza into the drone. The delivery location was around 1.5 kilometers away. I uploaded the delivery path into the drone so that it should drop the pizza exactly inside the compound. The drone now takes off with the pizza and starts its pilotless flight. I fly another drone above it to follow and record the delivery. Hello, ma'am, your Zomato order has arrived. Can you come towards the gate? Yeah, I am coming. Ma'am, can you look up? You can see your pizza being delivered by the drone.
Yeah, wow, it's coming. Yeah, I can see. Please collect it once it drops it, okay? Okay, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के बारे में। तो हार्दिक पांड्या को भी बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहा है, एंड हेट मिलने का रीजन ये है कि वो जब वेस्ट इंडीज में क्रिकेट खेलने गए थे तो उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया था। उनका ये कहना था कि जो वेस्ट इंडीज का क्रिकेट बोर्ड है ये बहुत ही ज्यादा पुअरली मैनेज्ड है एंड उन्हें बहुत ही ज्यादा लग्जरी नहीं चाहिए, बट उन्हें बेसिक नीड्स जरूर चाहिए कि उन्हें बेसिक काम करने में कोई दिक्कत ना हो। एंड इसी से रिलेटेड एक बंदे ने ट्वीट किया जहां पर उन्होंने लिखा, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर द बिगर सुपरस्टार्स ऑफ इंडियन क्रिकेट बट दे नेवर कमेंटेड ऑन एनी अरेंजमेंट्स बी इट इन लंका वेस्ट इंडीज और एनी कंट्री बट हार्दिक पांड्या वांट सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी अरेंजमेंट फ्रॉम ए पुअर क्रिकेट बोर्ड व्हिच इज करेंटली स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। तो आपको क्या लगता है कि क्या हार्दिक पांड्या को हेट मिलना चाहिए? तो मुझे एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेरोजगार यूट्यूबर के बारे में। तो उनके साथ एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ, तो वो है हिंदू। एंड आपको पता होगा कि सावन के महीने में कोई भी हिंदू चिकन या नॉनवेज नहीं खाता। तो वो एक रेस्टोरेंट में गए थे या फिर एक होटल में गए थे जब उन्होंने कहा कि उन्हें एक रोल चाहिए बट उन्हें वेज चाहिए, उन्हें चिकन बिल्कुल मत देना क्योंकि वो अभी सावन के महीने में है। लेकिन जब आप देखोगे जब उन्हें डिलीवरी मिला तो उसमें उन्हें रोल में चिकन मिला, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। एंड इससे रिलेटेड उन्हें एक वीडियो पोस्ट किया, आप ये वीडियो देख सकते हो। वेज वाले रोल में चिकन डाला और अब इतना मासूम बन रहा, प्लस इसने अभी है ना हंस रहा था, ठीक है हम साइड में गए। पहले मैं सोचा ये सही बंदा है, चलो कोई नहीं, लेकिन ये जो स्माइल फेंक रहा था ना इसके सामने, इसने अपना नाम झूठा बताया। पहले बोला राहुल नाम है, फिर आईडी कार्ड चेक की तो नाम इसका अरबाज आया, इसका इकबाल आया। इसको पता था श्रावण का महीना चल रहा है, वेज खाता हूँ, जानबूझ के चिकन डाला और अभी अपने मैनेजर का नंबर नहीं दे रहा। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान की नई मूवी जवान का एक नया सॉन्ग आया था जिसका नाम था जिंदा बंदा, जिससे रिलेटेड आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट किया था जहां पर उन्होंने लिखा था, दिस हीरो इज 57 ईयर ओल्ड, क्लियरली हिज एजिंग प्रोसेस डिफाइज ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ही इज 10x एज अलाइव एज मोस्ट पीपल, जिंदा बंदा हो तो ऐसा। बेसिकली उनका कहने का ये मतलब था कि जो शाहरुख खान है बहुत ही ज्यादा यंग लग रहे, बहुत ही ज्यादा एक्टिव लग रहे, अगर कोई जिंदा बंदा हो तो इनके जैसा हो। जिसके बाद शाहरुख खान ने भी इस ट्वीट को रिप्लाई करते हुए ये कहा कि लाइफ इज सो शॉर्ट एंड फास्ट सर, जस्ट ट्राइंग टू कीप अप विद इट, ट्राई एंड एंटरटेन एज मेनी व्हाट एवर इट टेक्स, लाफ क्राई शेक और फ्लाई, होपफुली मेक सम टू स्विम विद द स्टार्स, ड्रीम फॉर ए फ्यू मोमेंट्स ऑफ जॉय। यहाँ पे बेसिकली शाहरुख का ये कहने का मतलब था कि लाइफ इज सो शॉर्ट एंड हमें इंजॉय करना चाहिए एंड लोगों को एंटरटेन भी करना चाहिए, एंड इसीलिए वो अपना बेस्ट दे रहे हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्क जुकरबर्ग के थ्रेड्स ऐप के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ टाइम पहले थ्रेड्स ऐप को लॉन्च कर दिया गया था एंड इसे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, सब लोगों ने इसे इंस्टॉल कर लिया, इसमें लोगों ने अकाउंट खोल लिया एंड बहुत ही ज़्यादा बूम करा था। बीच में लोगों को लगा कि ट्विटर को ये खा जाएगा, ट्विटर को ये खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अभी मार्क जुकरबर्ग ने खुद ये कहा है कि इसके जो यूजर्स हैं वो 50% तक ड्रॉप हो चुके हैं एंड इसकी हाइप अभी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है, जिससे कि अभी ये ऐप बहुत ही ज्यादा अच्छे स्टेज में नहीं है क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग थी बहुत ही अच्छी थी बट अभी इसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है इन्हें। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूट्यूबर रचित रू के बारे में। तो रचित रू ने एक वीडियो स्टोरी पोस्ट किया जहां उन्होंने ये कहा कि वो इन रियल लाइफ जो स्ट्रीम होता है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक बंदा घूमता रहता है एंड वो लाइव स्ट्रीम करता रहता है, उनके बैग में कैमरा रहता है जिससे कि बैटरी पावर रहता है एंड वो घूम घूम के स्ट्रीम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कैमरा चाहिए होता है बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है एंड इसी से रिलेटेड उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट किया, आप ये स्टोरी देख सकते हैं। ओके बॉयज, तो ये ना एक गन रन IRL बैकपैक करके एक बैकपैक होता है जिसमें लाइक इस तरीके से कैमरा होता है एंड एवरीथिंग। सो ये यूज होता है लाइक IRL स्ट्रीम्स के लिए, लाइक यू नो आप कुछ भी कर रहे हो आप स्ट्रीम वगैरह कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो इससे। तो ये मेरे को चाहिए था एंड मैं इसको बहुत टाइम से लेना चाहता था, बट इसका प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं इसको लेने जाता था एंड जब मैं इसको सब कुछ कॉन्फ़िगर करके जब ऐड करता था हर एक चीज, तब मेरे को पता लगता था कि ये तो अभी मतलब एक मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, रुको ये आता है $3,634 का एंड ये बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक यू नो इंडिया के हिसाब से ये बहुत एक्सपेंसिव है, इतना तो लाइक तुम स्ट्रीमिंग से कमा नहीं पाओगे। बट गेस व्हाट गाइस, या मैंने जस्ट अभी इसको खरीद लिया ब्रो, मुझे मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, बट लेट्स फकिंग गो। ये तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा जहाँ पे मैंने आज के न्यूज आपको कवर कर दिए। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।